दिया बाघा बॉर्डर की साइड, वो ये आगे बाघा बॉर्डर पे रास्ते में कुछ चीज दिखाने लायक हुई तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर मिलेंगे सीधा बाघा बॉर्डर पे। अभी ये जाम इसको थोड़ा सुलझा लेते हैं। फिलहाल पंजाब में बारिश आ चुकी है, अमृतसर में बारिश आ चुकी है। तो ये है शहीद उधम सिंह चौक, और बारिश थोड़ा तेज होती जा रही है, और तेज होती जा रही है बारिश, कभी देर। और आसु ने भी अपनी गाड़ी का वाइपर फुल स्पीड पे चला दी है। तो देखिए गाइस, भारत पाकिस्तान सीमा सिर्फ 1 किलोमीटर। वेलकम टू यू अटारी बॉर्डर। अटारी बॉर्डर पार्किंग है ना, 21 किधर से थी ये, कौन राइट से हो बाहर। तो यहाँ 120 की पहले गाड़ी आ चुकी, टिकट लगी है पार्किंग की, कुछ गाड़ी आके खड़ी हो चुकी वो रही, और पार्किंग में भी है, और पार्किंग में खड़ी है अंदर, वहाँ बस भी आ चुकी है, बस भी आ चुकी। तो यहाँ भाई से तिरंगा बना रहे अपने चेहरे पे, अरे नहीं हम यूट्यूब। तो ये देखिए मनीष, अरे तो सीरियस मत हो यार, रह जाता तेन पापा की तरफ बॉर्डर पे इतना नहीं जानो सिंगर रोज मनीष मेकअप होने लग रहा है। तो मनीष का मेकअप हो रहा है, क्रीम पाउडर लगवाते हुए मनीष, क्रीम पाउडर लगा रहे मनीष है। क्या ना मजे अपना कोट, दूसरा जो बारिश पे गीला नहीं होता वाटर प्रूफ है, तो हम भी बारिश का आनंद ले रहे हैं बाहर खड़े होके। तो साइड चले मेरे, ये वाला कल दिखा दे, वेरी गुड, अच्छा वाचा है। जय हिंद, आई लव माय इंडिया, आई लव। तो फिलहाल ये लाइन लगी हुई है बॉर्डर पे अंदर जाने के लिए, लाइन में लगे हुए। जय हिंद। और ये हम दोनों एक जैसे हो रहे हैं आज, व्हाइट और राजू पॉपकॉर्न ले रहे हैं, बर्गर सैंडविच आइसक्रीम खा रहे हैं, आजू पॉपकॉर्न लेने में बिजी हो रहे हैं, पानी और पॉपकॉर्न लेने गए, पानी बोतल। तो ये देखिए भीड़ चली जा रही है अंदर, इंडिया, और ये अपने, और सामने देखिए वो, ये इंडिया का रहा, और उस सामने बिल्कुल इसके वो पाकिस्तान का गेट रहा, ये पाकिस्तान का गेट है। स्वर्ण जयंती द्वार एंड इंडिया जेट है ना, ये जेट
बड़ी एंट्री, यहाँ से एंट्री हो क्रेज। फरो सामने पाकिस्तान बॉर्डर, ये रहा पाकिस्तान बॉर्डर। तो देखिए पाकिस्तान का कोई फैन से नहीं आया पाकिस्तान के अब तक उनके पेड़ में शामिल होने के लिए। और ये देखिए इंडिया के फैंस, ये देखिए सारी भीड़ उमड़ के आ गई है और बारिश भी तेज हो गई है। तो बारिश आ गई है, हाँ बारिश आ गई, ये देखिए बारिश आ चुकी है। और ये प्यार भरी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। एक बार सबाई मिले वंदे मातरम, वंदे मातरम।
के एक अलग ही जज्बा आ जाता है, मजा आ गया बिल्कुल। जो थकावट थी ना वो सारी दूर हो गई, एक अलग ही माहौल सा हो गया था बिल्कुल, शरीर में देशभक्ति भावना जग गई। तो यहाँ पेड़ खत्म हो चुके हैं और सब वापस जा रहे हैं, ये देख काफी भीड़ तो जा चुकी, खाली हो गया क्योंकि बहुत बड़ा रश हो गया था इसलिए शूट नहीं किया था। और अभी देखिए, और अब हम भी चलते हैं अपने गाड़ी में और बाहर जयकार लग रहे हैं, भारत माता की जय के, चलते हैं हम भी बाहर। वो देखिए सामने ये दोस्ती का हाथ रहा, फ्रेंडशिप का भारत की तरफ से। और ये देखिए भीड़ कितनी ज्यादा भीड़ है देखिए। ट्रांसफर करूँ मैं सर के पास, मनीष सर के पास फोन, सब चलते हैं उनके पास गाड़ी के पास, सब जाएंगे गाड़ी में। और बारिश भी आ रही है, जग गया था अग्नि इतिहास में बम होता ना तो अभी फेंक देता उनके ऊपर पाकिस्तान वालों पे। हाँ यार वो बैठे बेचारा पहले गिने चुने थे। हाँ ये बात तो है ही। ठीक है उमेश, अमेरिका में बैठे तो मैंने फेंक देते पाकिस्तान में। सर आपका क्या विचार है? अरे नहीं नहीं भाई यार, मतलब वो था कि भाई देख के ना भाई भगवान के समझ अलग अलग लेवल की जो चीज, जितनी थकान थी ना सारी खत्म। वो डांस कर दी लेडीज, भाई साहब एक मन कर रहा था नीचे जाके पहले डांस करने लग जाओ भाई, मैंने एक कमी।